छह माह से अधिक फरार चल रहे आरोपी जीतू सोनी को आखिरकार क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 50 से अधिक मामले दर्ज हैं, वहीं आरोपी पर पुलिस ने 1,00,000 से अधिक का इनाम भी घोषित किया था। छह माह पहले पुलिस द्वारा ऑपरेशन भूमाफिया चलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से जीतू सोनी को आरोपी बनाया गया था। वहीं ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस इसे लंबे समय से खोज रही थी, जिस पर 50 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें कई संगीन आरोपों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए जीतू सोनी द्वारा संचालित होटल व पब तोड़ दिए गए थे, जिस पर जीतू सोनी ने अवैध कब्जा जमा रखा था। उसके बाद से ही जीतू सोनी की तलाश पुलिस कर रही थी। आईजी विवेक शर्मा के मुताबिक पुलिस की अलग अलग टीम जीतू सोनी की तलाश कर रही थी। वहीं दो दिन पूर्व जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को भी गिरफ्तार किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने गुजरात के अमरोहा क्षेत्र से जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जीतू सोनी के पिता की आज पुण्यतिथि थी, जहाँ शामिल होने जीतू सोनी पहुंच रहा था। उसके पहले ही पुलिस ने जीतू सोनी को धर दबोचा। फिलहाल जीतू सोनी के अन्य साथी, जिसमें उसका भतीजा, भाई व अन्य लोग अभी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल जीतू सोनी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं जीतू सोनी के कई और राज अब सामने आएंगे। देखिए, कोई चीज कभी पकड़ी जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज रही। अगर कोई चीज आपने नहीं छापी, आज छापी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले उसको नहीं छापना चाहते थे। जब जानकारी में चीज़ आती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। सवाल मेरा सर, जस्ट फरारी कहाँ का काटी और कब के केसेस हैं? देखिए, ये केसेस मुख्यतः 2019 से शुरू होके जनवरी 2020 के बीच के हैं, और ये 45 केसेस हैं जो हमारे पास अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फरारी अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो ज्ञात हुआ है, फरारी में ये गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर अलग अलग, गुजरात में 2 जिले, ऐसे महाराष्ट्र में 3 जिले, यहाँ पर इनका रहना इसने बताया है। तो वो भी चीज़ हम वेरीफाई करेंगे। ये बहुत ही प्रिलिमिनरी पूछताछ में ये चीज पता चली। इतने बड़े माफिया को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, कहाँ कौन इसे आश्रय दे रहा था? देखिए, पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। अब आगे आने वाली जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, उसमें अकॉर्डिंगली हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।